सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। सीएबी यानी नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पास हो चुका है, लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस वक्त पूरे देश में एक तरीके का संग्राम मचा हुआ है। असम से शुरू हुआ ये बवाल अब दिल्ली तक पहुंच चुका है और आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आंदोलन हुआ, जिस तरीके से बवाल हुआ और वो प्रोटेस्ट जो है अब तक जारी है, जिस तरीके से पुलिस ने लगभग 50 छात्रों को गिरफ्तार किया था, हालांकि उनको छात्रों के उग्र आंदोलन के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस के लाठीचार्ज में 150 से ज़्यादा, लगभग 125 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो घायल हुए हैं और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी हां, छात्रों पर हुए इस लाठीचार्ज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है और उसके बाद सुनवाई की डिमांड की गई। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की अब तक की शायद सबसे सख्त टिप्पणी इस बार आई है। जी हां, इंदिरा जयसिंह, सलमान खुर्शीद और अन्य कई वकील सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे और उनकी ये मांग थी कि ये मामला छात्रों के साथ अन्याय का है, इस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, जिस पर सीजेआई ने सीधे तौर पे चीफ जस्टिस ने ये मना किया और कहा कि जब तक हिंसा नहीं रुकती तब तक सुनवाई नहीं होगी। आप अगर उन छात्रों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन वकीलों से जो वकील डिमांड कर रहे थे जांच की, उनसे सीजेआई ने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि अगर आप उन छात्रों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, तो सबसे पहले उनसे कहिए कि हिंसा रोकें और जब तक हिंसा नहीं रुकती तब तक सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद ये इन वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि पुलिस ने इन छात्रों के साथ जो है बर्बरता की है, पुलिस ने इन छात्रों के साथ ज्यादती की है। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप हमें किसी भी तरीके से बुली नहीं कर सकते, आप हम पर प्रेशर नहीं बना सकते, हम फैसला देंगे, सुनवाई करेंगे, लेकिन जब तक हिंसा नहीं रुकती तब तक सुनवाई नहीं करेंगे। और दूसरी बात, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का मामला किसी भी हाल में ये कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। जी हां, तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त से सख्त शब्दों में ये चेताया है कि जब तक हिंसा नहीं रुकती, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं दिया था और देता। और दूसरी बात, एक और सीजेआई ने साफ साफ शब्दों में ये कहा कि अगर छात्रों को या लोगों को ये लगता है कि वो सड़कों पर उतर के इंसाफ ले सकते हैं तो फिर उन्हें सड़कों पर ही रहने दीजिए, इंसाफ के लिए जो कोर्ट आएगा उसकी बात सुनी जाएगी, कोर्ट उसकी बात सुनेगा, सुनवाई होगी और कोर्ट न्याय करेगा, लेकिन हिंसा किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनके साथ उनका नुकसान किसी भी तरीके से कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि जामिया इलाके में, जामिया यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जो बवाल शुरू हुआ, उसके बाद पुलिस ने 35-40 छात्रों को गिरफ्तार किया था, लगभग 125 से ऊपर छात्र जो हैं वो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए हैं और कई स्टूडेंट्स, पुलिस का आरोप है कि स्टूडेंट्स की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। इस पर कोर्ट ने भी कहा है, बल्कि जो वकील इंदिरा जयसिंह ने जब ये कहा कि छात्रों के साथ ज्यादती हुई है, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है, कोर्ट को उनकी बात सुननी चाहिए, इस मामले को कोर्ट को सुनना चाहिए, तो सीजेआई ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर कोई पत्थरबाजी करता है, कोई पत्थर चलाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए आप ही बता दीजिए। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट इतना सख्त दिखाई दिया है और सुप्रीम कोर्ट से जो बातें सामने आई हैं, सीजेआई ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है और चेता दिया है कि जब तक हिंसा नहीं रुकती तब तक सुप्रीम कोर्ट किसी मामले, इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। इस वक्त के ताजा अपडेट ये हैं कि मैं आपको बता दूं कि देश के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है, एहतियातन जो है वो पुलिस व्यवस्था को मुस्तैद कर दिया गया है, पुलिस मुस्तैद कर दी गई है ताकि किसी भी तरह का बवाल ना हो और किसी भी तरीके की अनहोनी को रोका जा सके। लेकिन दिल्ली में प्रदर्शन जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि जब तक हिंसा नहीं रुकती वो इस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार हो गया है कि अगर हिंसा नहीं होती है छात्रों के द्वारा तो कल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।